हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है, ये चित्र बना हुआ है और दिया है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ये पंक्तियाँ बनाई गई हैं इधर AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये एक मीटर की दूरी पर ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ये 8वीं पंक्ति में, और वहाँ एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? यानी कि अगर इन दोनों के हम बीच की दूरी के बिल्कुल बीचों बीच हमें कोई झंडा गाड़ना हो तो उसको कहाँ गाड़ना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बिंदुओं -3 और 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्हें किस तरीके से हल करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसमें हमने मान लिया कि दूसरी पंक्ति में निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100 का कितना है, 1/4 है, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। अब हमने मान लिया, माना हरे झंडे के निर्देशांक जी लिखा है मैंने ग्रीन हरे के लिए, दौर कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि 25 मीटर की दूरी है। लाल झंडे के निर्देशांक रेड यानी कि R, ये कितने हो जाएंगे 8 और 20। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो क्या लिखेंगे GR और x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x2 है हमारा 8 - 2 का स्क्वायर + 20 - 25 का स्क्वायर, 8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 यानी कि -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हमारे पास आ गया √61 मीटर। क्योंकि नीला झंडा जी तथा आर के ठीक मध्य है, जो नीला झंडा उसे गाड़ना है जी और आर के मध्य में गाड़ना है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा निर्देशांक अगर हम निकालें तो x1 + x2 by 2 और y1 + y2 by 2। अब इसके मान रख देंगे 2 + 8/2 25 + 20/2 2 और 8 10/2 हो जाएगा, 25 और 20 45/2 हो जाएगा, 2/10/2 5 आ जाएगा और 45/2 22.5 आ जाएगा। तो रश्मि को 5वीं लाइन में 22.5 मीटर पर नीला झंडा लगाना होगा, ये हमें बताना था, और दूसरा हमें दूरी बतानी थी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको AB दिया है और बीच में बिंदु B दिया है जो जिसके निर्देशांक -1 और 6 हैं। हमें इसका अनुपात बताना है कि किस अनुपात में ये इसको विभाजित करेगा। हमने 1 और k अनुपात मान लिया इसको। हमने माना बिंदु P -1 6, बिंदुओं A -3 10 तथा बिंदु B 6 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र है हमारा कि P के अगर हम निर्देशांक निकालें m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, तो -1 6 इधर रहेगा, K m1 हो गया 6 + 1 - 3 K + 1 और K - 8 + 1 - 10 K + 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में हमने केवल वैल्यू रखी है, अभी 1 - 1 6 रहा, 6 के K में गुणा करेंगे 6K और -3 आ जाएगा (K+1) इधर -8K + 10K+1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये वाला तो इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो -1 = 6K - 3K+1 तथा 6 = -8K + 10K+1। जब इसको इसके बराबर रखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -K - 1 हो जाएगा और 6K - 3 6K, ये K भी उस तरफ गया तो K आ गया प्लस का, और माइनस का 1 इधर था, ये 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7K = 2 और K = K2/7, इसलिए जो अभीष्ट अनुपात जो हमें निकालना था वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 2:7 आ जाएगा। इसी के साथ ये सवाल भी आपका कम्प्लीट हुआ।